भगवान गणेश के जन्मदिन के उत्सव को गणेश चतुर्थी के रूप में जाना जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है। हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश का जन्म हुआ था। गणेशोत्सव अर्थात गणेश चतुर्थी का उत्सव। इस उत्सव के 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है और इस दिन यह उत्सव समाप्त भी होता है और इसे गणेश विसर्जन के नाम से जाना जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन श्रद्धालु बड़े ही धूमधाम से सड़क पर जुलूस निकालते हुए भगवान गणेश की प्रतिमा का सरोवर, झील, नदी इत्यादि में विसर्जन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश का जन्म मध्याह्न काल के दौरान हुआ था, इसलिए मध्याह्न के समय को गणेश पूजा के लिए ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। हिंदू शास्त्र गणना के आधार पर सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य के समय को 5 बराबर भागों में बांटा गया है। इन 5 भागों को क्रमशः प्रातःकाल, संगमकाल, मध्याह्न काल, अपराह्न काल और सायंकाल के नाम से जाना जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश स्थापना और गणेश पूजा मध्याह्न के दौरान ही करनी चाहिए। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मध्याह्न के समय को ही गणेश पूजा के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। इस मध्याह्न मुहूर्त में भक्त लोग पूरे विधि विधान से गणेश पूजा करते हैं, जिसे षोडशोपचार गणपति पूजा के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि इस गणेश चतुर्थी गणेश पूजा का समय क्या रहेगा। 13 सितंबर को यानी गणेश चतुर्थी के दिन मध्याह्न गणेश पूजा का समय सुबह 11:04 से दोपहर 1:31 तक रहेगा और इस पूजन की अवधि रहेगी लगभग 2:28 की। 12 सितंबर को चंद्रमा नहीं देखने का समय, शाम को 4 से रात के 8:35 तक और इसकी अवधि रहेगी लगभग 4:28। 13 सितंबर को चंद्रमा नहीं देखने का समय, सुबह 9:32 से रात के 9:13 और इसकी अवधि रहेगी लगभग 11। 12 सितंबर को शाम को 4 चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी, जो कि 13 सितंबर को दोपहर 2:51 तक रहेगी। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से मिथ्या दोष अथवा तो मिथ्या कलंक लगता है, जिसकी वजह से दर्शनार्थी को चोरी का झूठा आरोप सहना पड़ता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण पर स्मयंतक नामक मणि चोरी करने का आरोप लगा था। झूठे आरोप में लिप्त भगवान श्री कृष्ण की स्थिति देखकर नारद मुनि ने उन्हें बताया था कि भगवान कृष्ण ने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देख लिया था, जिसके कारण उन्हें मिथ्या दोष का श्राप लगा है। नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण को बताते हुए कहा कि भगवान गणेश ने चंद्रदेव को श्राप दिया था, जो भी व्यक्ति भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करेगा वो मिथ्या दोष से शापित हो जाएगा और समाज में चोरी के झूठे आरोप से कलंकित हो जाएगा। नारद ऋषि के परामर्श पर भगवान श्री कृष्ण ने मिथ्या दोष से मुक्ति के लिए गणेश चतुर्थी के व्रत को किया और मिथ्या दोष से मुक्त हुए। अंत में हमारी यही कामना है कि भगवान गणेश आपके सारे संकटों को दूर कर आपको धन, वैभव और ऐश्वर्य प्रदान करें। हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।